अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन के बारे में है। मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ चुकी हैं न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन पे, तो मैं इस न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें ऑन ग्राउंड दे रहे हैं और उन्होंने तकरीबन 8 से 9 महीने में मेन बुलेवार्ड और कमर्शियल जो एरिया है उसकी पोजेशन दे दी है। अब उनके जो 100 के करीब जो घर है 5 मरला 7 मरला के वो तामीर कंप्लीट होने जा रहे हैं। उनकी तामीर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2 लेंटर और मम्टी का काम है जो कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें मैं एक्चुअली इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। और इन्होंने जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 से 2.5 साल का जो इंस्टॉलमेंट का टाइम है उसके अंदर अंदर इन्होंने तो तकरीबन 100 के करीब वो घर बना रहे हैं 5 मरला 7 मरला के। और इसके अलावा वो अमेनिटीज हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें मेन बुलेवार्ड और जो रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं उसकी पोजेशन दे रहे हैं सिर्फ तकरीबन 2 से 3 महीने में। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो इन्वाइस रेट था वो 24,90,000 था। तो इस रेट पे आपको इसमें जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो 8 मरला कमर्शियल है वो उसकी 2 करोड़ उसकी इनवाइस है, ठीक है, और वो आपको डिस्काउंट रेट पे वो भी मिल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसका मेन जो है इसका अर्ली बर्ड है। अर्ली बर्ड में 2 ब्लॉक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के लिए उन्होंने एक्सटेंशन ही दी। ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक में कितनी ट्रेडिंग होती है, ए ब्लॉक की लड़ती है। और क्योंकि इसमें एक सेंस नजर आती है कि अक्सर सोसाइटीज में आप देखेंगे कि उन्होंने जब ए ब्लॉक वो लॉन्च करते हैं तो ए ब्लॉक उनका सेल होता है तो साथ में बी ब्लॉक लॉन्च कर देते हैं। बी ब्लॉक सेल होता है तो सी ब्लॉक शुरू हो जाता है, सी ब्लॉक वो लॉन्च करते सेल होता है तो डी ब्लॉक इसके जो एक्सटेंशन होती है वो आती जाती है। तो जो ए ब्लॉक होता है या अर्ली बर्ड होता है उसका रेट नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो आप फाइल लेंगे या इस पे या प्लॉट लेंगे उस पर उसी पे ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा कोई सेकंड चॉइस नहीं होगी आपके पास। और इसका जो मैप है मैप आ चुका है, मैप जो भी आप प्लॉट नंबर मांगेंगे आपको उस हिसाब से वो मिल जाएगा मैप के ऊपर से। रोड्स को सारी इसकी बन चुकी हैं। मेरे पीछे जो इसके मेरे पीछे इस पर जो चल रही होगी चल रही होगी इसके मुताबिक आपको पता चल गया होगा कितना इस पर काम हो चुका है। इन्होंने 100% अपनी तरफ से डिलीवर कर रहे हैं एक क्लीन मुद्दत में। ऐसी कोई भी सोसाइटी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो एक साल में आपको पोजेशन तक ले जाए। ये सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन का एक वाइफ प्रोजेक्ट है जो वो ऐसी सहूलतें दे रहे हैं। जैसे मैं इन्हीं का एक दूसरा प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, उसका अर्ली बर्ड में बहुत अच्छा रेट है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं न्यू मेट्रो सिटी मंडी गुजर खान में जो अर्ली बर्ड है उसका रेट क्या है, क्योंकि वो पोजेशन एबल एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्ली बर्ड में उन्होंने तेज़ी से काम किया है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अर्ली बर्ड के अलावा जो ए साउथ है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वहाँ पे रेट नहीं बन पा रहा क्योंकि ये एक्सटेंशन ही उन्होंने काफ़ी दे दी है। लो कास्ट रेट उसके पीछे आ जाता है कि तो लोगों के पास काफ़ी चॉइस आ जाती है, ऑप्शन आ जाती है, इसलिए वहाँ पर रेट नहीं बन पाते। लेकिन इसके मुख्तलिफ ये जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन वाला प्रोजेक्ट है इसका सिर्फ ए ब्लॉक ही है, इसकी सिर्फ ए जो अर्ली बर्ड है, इसके अलावा इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आ रही है वो 40 किलोमीटर दूर सालम इंटरचेंज के पास आ रही है, वो ओवरसीज के नाम से होगा। वो भी अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करना, वो तकरीबन इन्होंने काफ़ी अर्से के बाद जाके लॉन्च करना है। पहले ये इसी को डेवलप कर रहे हैं जो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन वाले इसी को डेवलप कर रहे हैं। इसकी जो लोकेशन आ रही है वो न्यू मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन से थोड़ा सा आगे तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। तो एक जगह है कुटियाला शेखा, इसके पास ही सरगोधा रोड पे है। ये गुजरात टू सरगोधा रोड जो मेन हाईवे है उसके ऊपर ये वाकया है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी, आप लोगों को लाजमी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि ये एक वाकई में ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आप आज इन्वेस्ट करते हैं और 1-2 साल में आप इसके डबल कमा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ कि मेरे वो व्यूज़ जो मेरे चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट उनको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।